Hello everyone, my name is Kartik and welcome to Plus Minus, where education is belief. Today we are going to start our new chapter LCM and SCF. LCM and SCF. नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक और आपका स्वागत है प्लस माइनस पे, जहाँ शिक्षा एक भरोसा है। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एससीएफ। एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और एससीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो ये चीज मैंने दो बार इसलिए बोली है, एक बार इंग्लिश में स्टार्टिंग में इंट्रो दिया, एक बार हिंदी में किया, ताकि अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना है तो आप मुझे बता सके। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की ही क्लास, इंग्लिश में ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी मैं बोल सकता हूँ, मेरे को हिंदी में भी पता है। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, पर मेरे को हिंदी में चीज़ें आती हैं मैथ की, तो मैं वो चीज़ें इंग्लिश में हिंदी में आपको बता सकता हूँ। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं हिंदी में लिखूँगा नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, वो पता नहीं होता कि कैसे लिखा जाएगा, पर उसका मतलब पता है हिंदी में, तो मैं बोल दूंगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और दूसरी बात, लास्ट क्लास में हमने नेचुरल सिस्टम और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करे थे काफ़ी, और फिर मैंने आपको हमारी वेबसाइट पे क्विज़ दिया था नंबर सिस्टम का। तो मुझे उम्मीद है आपने वो सारी चीज़ें अटैम्प्ट करी होंगी। आपको कोई दिक्कत आई हो या फिर कुछ भी हो तो आप अभी भी क्या मतलब हमेशा कभी भी आप अटैम्प्ट करो, और कभी भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे जुड़ जाओ या फिर कमेंट कर दिया करो यार, हम उसको सारी चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जितना हमारे से हो सकेगा उतने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे, वेबसाइट पे मिलेंगे। मैंने उसका पीडीएफ लिंक भी दिया था, टेलीग्राम पे भी डाला था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला था। जो क्वेश्चन हमने करे थे, लगभग 17-18 क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व करे थे, और 20-22 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में आपको बना के दिए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आपने नहीं करे हो तो पहले उस वीडियो को देखना, और वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। उससे आपका सारा नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, मेरा मानना है। और मेरा मानना यही है कि हमारी क्लासेस थोड़ी बेसिक लेवल से चलती हैं, पर ये क्लासेस इसलिए हैं कि अगर ये हो जाए ना, अगर एक बार सारा समझ आ जाए, बेसिक क्लियर हो जाए हमारा, उसके बाद फिर हमें आगे 3-4 साल का मतलब ये कि हमारी नौकरी नहीं लग जाती जब तक हमें दोबारा से उसकी थ्योरी या फिर उसकी चीज़ें समझने की नहीं, तब तक हमें बस 3-4 साल, मतलब यही है कि ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारी 3-4 साल बाद ही नौकरी लगेगी, मतलब कि भाई इसके बाद हमें वो समझने की कोशिश ना पड़े, हमें बस वो चीज़ है कि हमें समझ आ चुका है और क्वेश्चन हमें करते जाना है। उसी के लिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जो भी क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी क्लास में हम लिखते हैं, चाहे फिर आप अगर कंप्यूटर साइंस या फिर हिंदी की भी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उसके प्रॉपर नोट्स बना लो। सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी जाती हैं, लिखने के साथ साथ बोली भी जाती हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग कहते हो कि थोड़ा बड़ा लिखें, बड़ा लिखने की हम कोशिश करते हैं, पर उसके साथ साथ बोलते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें आप बताते हो। जैसे पिछली क्लास में ही बोला गया था कि वो मैंने पूछा था आपसे, और आपने बोला था कि हाँ सर, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा वो बेटर रहेगा। तो पिछली क्लास में हमने एक सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले करे थे। तो ये चीज़ें आप ना इंटरेक्ट होते रहो यार, जैसे कि मैं कुछ बोलूँ और मुझे यही ना पता चले कि आपको वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई है, या फिर कुछ भी हुआ है, तो उसका इंटरेक्शन ज़रूरी है। आप लोग कमेंट करते रहो, और बस यही थोड़ी सी बातें हैं जो स्टार्टिंग में करनी थी। अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, एलसीएम और एससीएफ। एलसीएम को मैंने जैसे बताया, इसको क्या कहते हैं हम, लघुत्तम समापवर्त्य, एससीएफ को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और इनको एलसीएम और एससीएफ को वैसे जैसे, ये तो मैंने उसमें पूरा हिंदी में तो उसको पूरा लिख दिया। तो एलसीएम को हम क्या होती क्या एलसीएम एससीएफ कर रहे हैं। एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे ही हमारा एससीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या देते हैं कि भाई इसको हम क्या देते हैं, ये हमने बोल दिया था एलसीएम हो गया हमारा और ये हमारा ऐसे एससीएफ। तो ऐसे ही हिंदी में इसे हम कैसे लिखते हैं, ल स व, ये हमारा एलसीएम होता है और म स व ये हमारा एससीएफ होता है। तो ये चीज़ अब आगे मैं दोबारा ऐसे ना भी लिख पाऊँ कि ये ल स व या फिर म स व, तो आप लोग जो हिंदी वाले भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ समझ जाना कि जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तब हम लघुत्तम समाप वर्तक की बात कर रहे हैं और एससीएफ की बात कर रहे हैं तो महत्तम समाप वर्तक की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अब इनके बारे में जानते हैं। पहले तो ये बात कर लेते हैं हम कि भाई हम ये बात कर रहे हैं कि एलसीएम और एससीएफ में मल्टीपल और फैक्टर। तो मैंने आपसे बोला कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, जब तक हमें यही चीज क्लियर नहीं होगी तो हम आगे कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट और लीस्ट की बात ही कैसे कर पाएंगे। जब तक हमें ये पहले थोड़ा क्लियर करना है मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। काफी बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि बच्चे को यही क्लियर नहीं हो पाता कि मल्टीपल और फैक्टर क्या है। देखो यार, मेरा मानना यही है कि हम क्लास थोड़ा बेसिक से लेके एडवांस तक चलें। मैं पूरा वो कहता हूँ कि मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा, वहाँ तक एडवांस तक लेके चलूंगा जो आप और कहीं नहीं पढ़ाई जा रही। बेसिक से चलेंगे हम। बेसिक से मेरा मतलब है हम ये भी देखेंगे कि भाई मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है, और एडवांस वहाँ तक चलेंगे कि भाई हमें ये भी पता लगाना आ जाना चाहिए कि हमारे ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर या फिर 3 और 5 से डिवाइड होने वाले फैक्टर, किसी भी नंबर के, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हम वहाँ तक लेके चलेंगे। क्योंकि देखो आज के टाइम पे किसी भी बोर्ड का भरोसा नहीं है, एसएससी हो, डीएसएसबी हो, किसी का भरोसा नहीं है वो कब क्या क्वेश्चन डाल के हमसे पूछ ले। तो हमें सारी चीज़ क्लियर करनी है और बेसिक से करने का यही मतलब मकसद है यार। एक तो चीज़ें क्लियर हो जाती है और एक मेरे को भी थोड़ा ना बेसिक से करने में सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, बेसिक से लेकर हम ट्रिक भी फिर याद करी हुई हैं और तो थोड़ा क्लियर हो जाता है मामला। और तो ये ना सोचना कि भाई सिर्फ पता नहीं नंबर सिस्टम को भी इतना लंबा खींच दिया, जो चीज़ें आती थी ऐसी एलसीएम एससीएफ के साथ करेंगे, नहीं, एलसीएम एससीएफ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और अब बात करते हैं मल्टीपल और फैक्टर की, जो मैं कह रहा था। मल्टीपल आप लोगों को सबको ही पता होगा। जैसे अगर मैं एक सीधा डेफिनेशन पर ना जाके एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिया 6, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे और फैक्टर क्या होंगे 6। अब मैं फैक्टर की अगर बात करूं, फैक्टर अगर करें, हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था, तो 1 2 3 फैक्टर हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फैक्टर वो नंबर होंगे जिनको कुछ मल्टीप्लाई करके, जिन नंबर से कुछ मल्टीप्लाई करके हम ये नंबर ला सकें। सही बात है ना, जैसे 1 को लेके हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, हमारा 6 आया, तो 1 हमारा फैक्टर हुआ, 6 भी हमारा फैक्टर हुआ 6 का, क्योंकि 6 को अपने 1 से मल्टीप्लाई करा 6 आया। ऐसे 2 × 3 कुछ मल्टीप्लाई करा ना तो 6 आया। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हमारे जो भी नंबर जिनसे हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें और वो हमारा गिवन नंबर आ जाए तो उस नंबर की ये सारे नंबर हमारे फैक्टर होंगे। ऐसे ही अब हम बात करेंगे मल्टीपल के। मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल वो नंबर होंगे जो गिवन नंबर से हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें और जो नंबर आ जाए वो इसके मल्टीपल होंगे। मतलब कि जैसे ही इस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया तो वैसे ही 6 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आएंगे वो 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो 6 के क्या मल्टीपल होंगे, 12 18 24 36 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे मल्टीपल। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि जो नंबर जो हमें गिवन होता है ना 6, जो ये नंबर हमारे पास है, ये खुद का फैक्टर भी है और ये खुद का मल्टीपल भी है। कैसे है, फैक्टर तो मैंने आपको बताया था 1 × 6 करेंगे या फिर 6 × 1 करेंगे 6। तो ऐसे ही मैंने बोला कि किसी इस नंबर में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करें, फिर जो नंबर आएगा जैसे 12 6 का मल्टीपल है ये, तो ऐसे ही 6 में हमने 1 मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, तो 6 भी खुद का मल्टीपल हुआ। तो यही चीज़ है कि कोई भी नंबर वो खुद का अपना फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। अब देखो ये छोटी सी बेसिक चीज़ हमने देखी है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज़ मैं पूछ लेता हूं थोड़ा, वैसे वो एलसीएम और एससीएफ से थोड़ी हटके बात है पर कर लेते हैं, अभी फैक्टर की बात हमने शुरू कर ही दी है तो, क्योंकि आ जाती हैं ऐसी चीज़ें कि बात कोई किसी से पूछ लेता है कि अब भाई तुमने पढ़ा के आए हो, आज क्लास में पढ़ा, या फिर आज आपके कोई भाई वगैरह या फिर पेरेंट्स से पूछ लेंगे, हाँ भाई फ़ोन में देख रहा था, क्या कर रहा था? तो आप बोलोगे कि मैथ्स के लेक्चर देख रहा था। मैथ्स में वो पूछेंगे क्या कर रहा था, उन्होंने बोला कि आप बोलोगे कि फैक्टर और मल्टीपल पढ़े, तो वो पूछ लेंगे कि भाई 6 के तुम मैंने देखा था 6 के पढ़ रहे थे, तो 6 के कितने फैक्टर होंगे? तो आपको याद है आप बोल दोगे फटाफट 1 2 3, ये गलत हो जाएगा कि हमारे 3 फैक्टर गलत हो जाएंगे। फिर बोलोगे नहीं नहीं याद आया, ये बता रहे थे कि 6 भी खुद का फैक्टर होता है, तो आप बोल दोगे 4, तो ये बात हो जाएगी ठीक। अब ये तो था एक छोटा नंबर, इसमें हमने आसानी से बता दिया कि नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने हो गए 4। अब ऐसे ही हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे हमारे 1 + 2 + 3 + 6, ये क्या हो जाएगा हमारे 12। सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने फटाफट बता दिया ऐसे करके कि ये हमारे हो जाएंगे 4 और 12। ये तो हमारा छोटा नंबर था 6। अब आपसे वही पूछ लेंगे कि भाई 40 के बारे में बताओ। देखो यार ये थोड़ा ना हटके टॉपिक हो गया एलसीएम एचसीएफ से, पर ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स, ये क्योंकि थोड़े टाइम पहले कैट में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते थे। अब तो टाइम हो गया काफ़ी, और आपको पता ही है कि एसएससी डीएसएसबी या फिर हरियाणा एचएसएससी वो वही क्वेश्चन या फिर वही चीज़ें पकड़ लेती है जो ऐसे बड़े हाई लेवल के कैट वगैरह वो छोड़ देते हैं, तो वो ये पकड़ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए क्या हमने क्या किया कि भाई सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, अब हमें बताने हैं 40 के। अब हम देखते हैं कि 40 को हम तो ऐसे लिख सकते हैं 8 × 5 लिख सकते हैं, तो इसके हम प्राइम फैक्टर वाले उसमें फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या करेंगे 2 × 3 × 5 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें लिखने में। 8 को हमने ऐसे लिख लिया। अब अब वही बात आ गई कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे इसमें, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना हमने, हमें देखना है इसकी पावर। हमें क्या देखनी है, मैं यही इसको रब कर देता हूँ और इसी केस में देखते हैं हम कि हमें देखनी है ये ऐसे इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के हम देखेंगे नंबर की। जैसे हमने देखी 2 की कितनी पावर है 3, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 3 और इसमें कर देंगे 1 ऐड बस। और ऐसे ही 5 में देखेंगे 5 की पावर 1 थी, इसमें क्या करेंगे 1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 8। 8 हमारा नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे इस केस में। अब सम ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे हम, सम ऑफ फैक्टर में भी यही चीज़ कैसे निकालेंगे 2 ⁵ से स्टार्ट करेंगे, 2 ⁵ 1, 2 ⁵ 2, 2 ⁵ 3, 2 ⁵ 3 तक था तो 3 तक लिख देंगे। और इसमें फिर यहाँ पे 5 का देखेंगे कि 5 ⁵ 0 + 5 ⁵ 1, ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। इसको मैं थोड़ा ऐसे यहाँ पे करता हूँ। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हुए हमारी जो पावर थी। अब इसको कैसे हमने यहाँ पे 4 + 1 लिखा। अब देखो ये हमारे फैक्टर है 2 ⁵ 1 हमारा एक फैक्टर, 2 ⁵ 2 हमारा फैक्टर है, 2 ⁵ 3 एक फैक्टर है और 2 ⁵ 0, तो यहाँ पे हमारे 4 और ये 2 इनका मल्टीप्ली, ये उस वे में ऐसे बताने का तरीका है और ऐसे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर आ जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ⁵ 0 क्या होता है 1 2 4 8, ये हमारा हो गया 1 + 5। इसको हमने देखा तो ये हो गया 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 5 और 1 6, ये हमारा आ गया 90। तो 90 हमारा क्या हुआ, सम ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे हमारे 8। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थोड़ा सा समझने वाली बात है, उसमें कुछ नहीं। इसी में एक और चीज़ मैं एडिशन करके बताता हूँ आपको क्या पूछ लेता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चन ना अभी तक नहीं पूछे गए हैं, पर हमें सारी चीज़, वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें सारी चीज़ करके चलनी है। तो इसमें क्या पूछेगा वो, इसमें वो पूछ लेगा, जो खुराफाती हमारे साथ जो पहली क्लास से लगा हुआ है वो पूछ लेगा हमसे कि इसमें ये बताओ कि भाई नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, हमारे इवन फैक्टर्स क्या होंगे, इवन फैक्टर्स में हमें देखने के लिए, हमें इवन फैक्टर्स का हमें पता है इवन क्या चीज़ होंगी जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब ये देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, 5 रेज़ टू पावर 0 कितना है 1 और ये 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होगा 1। तो 5 रेज़ टू पावर 0 और 2 रेज़ टू पावर 0 1। तो ये यहाँ पे कोई 2 से मल्टीपल नहीं बन पाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम सिर्फ 2 की वो वैल्यू रखेंगे जो हमें आगे मल्टीपल दे सकें 2 के। तो 2 रेज़ टू पावर 0 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, इसको हटा देंगे, सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, जो ये +1 करा इसको रहने देंगे, ये 1 2 3 ये 3 हो गए और 5 ये 1 + 1 ही रहेगा, उससे बाकी के टर्म से हमें कोई मतलब नहीं। तो हमारे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमारे 40 में थे वो, उसमें इवन फैक्टर्स हो गए हमारे 6। ऐसे ही हम सम में करेंगे तो सम में ये चीज़ हटा देंगे, हम 1 हटा देंगे और बाकी हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा सम आएगा वही हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा। ऐसे ही हम ऑड फैक्टर्स का कर सकते थे। ऑड में क्या करेंगे, ऑड में जैसे अगर वो हमसे पूछ ले कि सम ऑफ ऑड या फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताओ, भाई ऑड फैक्टर्स बताएंगे तो देखो वो सारी चीज़ क्लियर भी हो जाएंगी। अब उसने पूछा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, उसने पूछा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि 2 रेज़ ये तो सारी ये टर्म रहेंगी, तो हमारा जो फैक्टर रहेगा वो तो इवन रहेगा। तो हमने करा इसको हटा दिया, इसको कैंसिल करा। अब हम देखें इसमें क्या करा हमने, ये एक फैक्टर लिया 1 और यहाँ पे कितना बचा 2 रेज़ टू पावर 1, ये 1 ही बचा और वहाँ पे कितना था 1 + 1, वही चीज़ हमें कोई मतलब नहीं, 1 और 2, 1 × 2 यह आ गया 2। अब ये कैसे, ये आ गए 2। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, इस क्वेश्चन को सोल्व करा तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए थे 8। तो उसमें 8 में हमारे इवन फैक्टर 6 हैं और ऑड फैक्टर 2 हैं, इन दोनों का सम करा 8। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई हाँ इवन फैक्टर और ऑड, इससे ज़्यादा तो कोई और फैक्टर हो नहीं सकते। तो उस दोनों को मिला के 8 हुए। तो ये चीज़ हमारी साबित हो, प्रूफ हो गई। क्या दोबारा एक छोट 2 मिनट लूँगा, दोबारा से बता देता हूँ कि ऑड फैक्टर पूछे तो हमें ये चीज़ें डिलीट करनी है और इवन फैक्टर पूछे तो हमें 2 रेज़ टू पावर 0 करना है। ऐसे ही सम में क्या करेंगे, अब सम में भी वही करेंगे, ये पूरा हटा देंगे, सिर्फ 1 रखेंगे यहाँ पे और ये हमारा 6 ही रहेगा। तो हमारा सम क्या आ जाएगा ऑड फैक्टर्स का, ये हमारा 6 आ जाएगा। ये थोड़ा हो गया, इसको वो आप समझ गए ना, मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसको रब करते हैं हम और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मेरे को पता चलेगा और उसका आंसर ना आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, फिर हम एलसीएम और एससीएफ की तरफ चलेंगे। इससे क्या हुआ, जो हमने आज पढ़ा अभी, इससे हमारा फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हो गया। अब फैक्टर और मल्टीपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब जो मैं आपके साथ एक क्वेश्चन दूंगा उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया मैंने आपको 2 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 2, 3 ले लेते हैं यहाँ पे, 3 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 4 और 7 रेज़ टू पावर 3। इसमें आपको मेरे को क्या बताने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, सम बताना है, नंबर ऑफ इवन बताओ, इवन फैक्टर, और नंबर ऑफ ऑड बताओ, ऑड फैक्टर्स मतलब। तो ये इस क्वेश्चन को मेरे को उम्मीद है आपको आ गया होगा और आप फटाफट इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक जिसके लिए हम आज जुड़े थे, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 2-2 बार इंट्रो दिया था हिंदी और इंग्लिश में, उसकी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। देखो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम का बेसिक और एडवांस क्लियर करेंगे, उसके बाद एससीएफ की तरफ चलेंगे, उसके बाद दोनों को मिला के देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम भाई होता क्या है कि मानो हम दो नंबर ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 16। तो 12 के मल्टीपल क्या है, हमें पता है कि m यहाँ पे मतलब है मल्टीपल। तो 12 के मल्टीपल क्या है, 12 के मल्टीपल होंगे 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा और 72, ऐसे करके 84, 96, मतलब 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम 16 का देखें तो 16 में क्या होंगे हमारे मल्टीपल, 16, 32, 48, 64 और 80, 96 एंड सो ऑन। अब मेरे को भी ये बताओ, ये आपने देखा ये हमारे मल्टीपल मिले हमारे दो नंबर के, तो इसमें हमारे कॉमन मल्टीपल्स कितने थे? वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, पर इतना ही लेके हम इसमें बताएं कि हमारे मल्टीपल कॉमन कितने थे। कॉमन हमने देखा कि 48 आ रहा है, एक तो हमारा मल्टीपल 48 कॉमन आ रहा है, दूसरा हमारा 96 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो 48 और 96 हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब 48 और 96 में छोटा कौन सा है हमारा, 48। तो इसमें हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हुआ, हमारा हो गया 48। तो इसका मतलब इन दो टर्म्स का एलसीएम आ गया 48। हमें हर बार ऐसा नहीं करना है, पूरे पूरे मल्टीपल लिख के उसमें कॉमन देखेंगे। अब हम आप कॉपी में हेडिंग डाल लो कि एलसीएम, आपने हेडिंग डाली होगी तो एलसीएम की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि आपको बाद में कभी रिवाइज करना पड़े या फिर किसी और को समझानी पड़े वो चीज़, तो आप आराम से उसे समझा सको या फिर खुद के लिए भी आप समझ सको। हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ टू टर्म्स ए और बी का हम एलसीएम ले, तो वो होगा, इसकी डेफिनेशन होगी कि स्मॉलेस्ट नंबर n विच इज exactly divisible by a and b। तो कहना क्या चाहता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, वो छोटी से छोटी संख्या, जैसे हमें पता लगाना है LCM of AB, तो LCM of AB में क्या होगा, वो छोटी से छोटी संख्या जिसको हमने n दे दिया, वो छोटी से छोटी संख्या जो a और b से पूरी पूरी भाग जाए, वो होगी हमारी LCM of AB। ये हमारी डेफिनेशन हो गई थी। इसके बाद अब आप कॉपी में हेडिंग डाल लो कि हाउ टू फाइंड LCM। कॉपी में क्या हेडिंग डालेंगे आप, हाउ टू फाइंड LCM। हाउ टू फाइंड एलसीएम में हमने बचपन से ही करते आ रहे हैं एलसीएम एससीएफ के हम क्वेश्चन, तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ देखी होगी। एक हमारा हो जाता है फैक्टर मेथड, जो हमने अभी आप स्टार्टिंग में ही करके दिखाया था, जिसपे मैंने बोला था कि ऐसे नहीं करना है। फैक्टर मेथड क्या कहता है, जैसे कि हम 6 और 4 का लें, इसमें एलसीएम क्या कहता है, वो बोलेगा कि हमने बोला कि 2 इंटू 3 और 1 भी ले लेते हैं, चलो 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे फैक्टर बने। तो इसमें क्या देखना है कि 1 2, तो ये फिर 1 हमारा ये हो जाएगा, 1 2 हमारा ये होगा, फिर पूरी टर्म ये हो जाएगी। तो ऐसे 1 भी कॉमन वैसे लेते हैं, लिखते नहीं है इतना। तो एलसीएम इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये कॉमन था हमारा 2 2 इंटू ये पूरा आया 3 इंटू 2, तो एलसीएम हमारा हो गया 12। 6 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। कहने का मतलब ये है, वो ये 12 एक वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 और 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इससे नीचे मतलब आप देख लो 11, 10, 9, 8, 7, इनमें से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो 6 और 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे 8 हो जाएगा, 8 4 से हो जाएगा, 6 से पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ होती है हमारी फैक्टर मेथड। ये बहुत बेसिक मेथड है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये आपको नहीं फॉलो करना है किसी भी हालत में, ये तो फॉलो करना ही नहीं है। दूसरा हमारा जो मेथड होता है वो होता है जो हम स्कूल मेथड, स्कूल में जो हमें सिखाया जाता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसमें हम क्या करते हैं, वो डंडा डाल देंगे, यूं करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अब आप देखो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, वो जैसे 4th या 5th में है, वो भी उससे पूछा जाए कि एलसीएम ऑफ 45 और 96, तो वो क्या करेगा, वो भी ऐसे यहाँ पे लिख देगा 45, 96, फिर जाएगा 2, 45, 48 और ऐसे लगा रहेगा। और आप 12th करी, ग्रेजुएशन करी, कुछ ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, वो क्या कर रहे हैं, वो भी इसी मेथड पे लगे हुए हैं। इसमें क्या करना है, इसमें लगे हुए हैं 2, 45, फिर 24, फिर से 2 लिख रहे हैं, 45, 12, फिर 2, 45, 6 और ऐसे कर करके अपना पेपर भरते जा रहे हैं। फिर 3 लेके आएंगे, फिर 15, 1, फिर 3 लेके आए, 5, 1, 5, 1 और 1 और फिर क्या एंड में क्या करा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और ऐसे कर करके बनाते गए और पूरे पेज भर दिया और आपने आंसर निकाल दिया। ये हमारा एलसीएम है। वो एलसीएम सही आया, पर फ़ायदा क्या हुआ, पेपर में हमें 1 या 2 घंटे ही मिलते हैं, फिर इतना बड़ा करके एलसीएम का क्वेश्चन आ गया तो उसी में रह गए हम। तो ये मेथड भी हमें फॉलो नहीं करना है। डिवीजन मेथड होता है, आपको बेसिक पता ही है इसका। तो अब करें क्या भाई, आपने तो सारे मेथड ख़त्म कर दिए। आप ये बोलोगे कि आपने तो सारे मेथड ख़त्म कर दिए। अब आप तीसरा मेथड लिखो, द मेथड वी विल यूज। मेथड वी विल यूज, ये मेथड है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें जैसे उसने बोला कि एलसीएम निकालो 2, 3, 6, 8, इस टर्म का एलसीएम निकालो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप हमारा होगा कि जो भी इस टर्म है ना, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 8, इसको लिख दो सीधा। और मैंने कह दिया कि यही हमारा एलसीएम है। एकदम आपके दिमाग के एंटीना खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। मैंने बोला मानो कि ये हमारा एलसीएम है, फिर उसके बाद क्या करना है। अब देखो कि 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, हो जाता है 2 इसके अंदर, इसका मतलब 2 इसमें आ चुका है। 3 से नहीं, 3 से तो नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे, कोई नहीं यहाँ पे 3, क्योंकि 3 8 में नहीं था। अब देखो इस 6 को देखो, 6 को देखो, 6 में क्या था, 2 × 3, तो इसमें 2 यहाँ पे आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो हमारा एलसीएम आ गया 24। बस ये 2 ऐसे लिख के हमारा एलसीएम आ गया। हमें पूरा पूरा वो लाइन वाला डायग्राम नहीं बनाना पड़ा। तो इससे ऐसे फिर किसी भी वो हो, कोई भी टर्म हो, उसमें सबसे बड़ा ले लो तो उसका एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे एक और ले लो 12 और 16, इसमें क्या करेंगे वही चीज़, 16 हम पहले लिख लेंगे, सीधा सीधा 16 लिख लिया। अब हमने देखा कि 12 में 4 और 3, 4 तो हमारा यहाँ पे आ गया, 4 × 4 16, तो 4 हमारा यहाँ पे आ चुका है, पर 3 नहीं आया। 3 में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 48, हमारा एलसीएम हो जाएगा 12 और 16 का। तो ये मेथड आप मुझे बताओ कि आपको अच्छा लगा, और कमेंट जरूर करना इस मेथड के बारे में। क्यों देखो यार, हमें सॉल्व करना, हमें बचाना है टाइम। तो मान लो क्या पता है यहाँ पे कुछ वो होता, वैसे तो आपको ये पता ही होगा, जैसे 8 मान लो, तो 8 तो वैसे ही सीधा आ जाता है, और हमने सीधा सीधा लिख लिया कि 16 होता है। इसमें ये तो छोटी टर्म है, इसमें तो आपको वैसे भी पता होगा कि 16 ही होता है, तो 2 का वो 8 का मल्टीपल है 16, तो 16 ही हमारा वो होगा एलसीएम होगा। पर फिर भी मान लो कुछ और होता, पर ये मेरा बताने का मतलब ये है कि हमें जो भी बड़ी टर्म होगी ना, आप कितनी ज़्यादा एक्सप्रेशन दी हुई हो, कितनी ज़्यादा नंबर दिए हो, बड़ी टर्म को सीधा मान लेना है हमें कि हमारा वो एलसीएम है। और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब उसमें देखना है कि बाकी जो डिजिट है वो आ चुकी हैं या नहीं आ चुकी हैं। अगर आ गई हैं तो ठीक है, नहीं आई है तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे जो नहीं आई है टर्म। ठीक है, और इसी मेथड से मैं जोर दूंगा कि आप यही मेथड यूज़ करो, काफ़ी हेल्पफुल होता है ये मेथड। अब बात करें, एक और मेथड होता है को प्राइम। ये मेथड भी इससे रिलेटेड है, प्यारा सा मेथड है को प्राइम मेथड। ये आज हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ी क्लास थोड़ी बेसिक चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एलसीएम हमें पता है क्या होता है, सबको ही पता होगा, पर उसका मेथड निकालने का मेथड, ये चीज़ें बहुत ही कम आपको कोई बताएगा। तो ये आप ध्यान से देखना, और मैं अपनी वाहवाही नहीं कर रहा कि बहुत कम, मैंने भी सीखी हुई है चीज़ें, मैंने भी किताब पढ़ी है, वहाँ से देखी है, अपने आप से तो नहीं बनाई। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने आ गया कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, वो वाला मेथड ना यूज़ करके ये यूज़ करेंगे। तो वो वाला मेथड जो उससे पहले हमने तीसरा मेथड जो बताया था वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि को प्राइम में क्या हमें ना ये देखना होता है, प्राइम वगैरह देखने होंगे। तो ये हमारा फोर्थ मेथड है। किसी किसी को ये पसंद आ जाता है, जैसे कि एक 4 नंबर ले लिया हमने, 10 15 ले लिया। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें पहले वाले मेथड में जो क्या था 15 लिख लेंगे। अब क्या करना होगा, इसमें हमें ये देखना होगा को प्राइम नंबर देखने होंगे, कोई भी को प्राइम नंबर देखो, 2 या 2 से ज़्यादा को प्राइम होंगे, पहले को 2 प्राइम नंबर देखो, को प्राइम, प्राइम नहीं, इंडिविजुअली प्राइम नहीं देखने, हमें को प्राइम देखने हैं। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है, जिन 2 टर्म्स का एससीएफ हमारा 1 हो, एससीएफ मतलब उसमें कोई और वो ना हो, एससीएफ भी पढ़ेंगे हम। तो देखो 9 और 10, इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है ना, इसमें 3 आता है, इसमें 2 और 5 होते हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा 9 into 10, हमारा एलसीएम में हमारा पहला स्टेप ये हमने लिख लिया। फिर हमने दूसरी चीज़, दूसरा नंबर देखा, उसमें क्या देखा कि इसमें क्या आता है 3 और 5, 3 हमारा यहाँ आ गया, 5 हमारा यहाँ आ गया। तो इन तीनों डिजिट का प्राइम मेथड से, को प्राइम मेथड से एलसीएम आ गया हमारा 90। तो ये चीज़ थोड़ी बेटर भी है, और पर मैं उसी मेथड, थर्ड जो मेथड हमने डिस्कस करा, उससे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये भी काफ़ी से उस वैसे रिलेटेड ही मेथड है। तो उसमें क्या करते हैं, हम 15 लिख लेते, फिर देखते हैं 9 में क्या 3 आ गया था, 15 में आ गया 3, पर इसमें तो 2 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आया है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते। फिर 10 देखते, 5 आ गया जी, 5 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 into 6 90। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे देखना, पर इन दोनों मेथड में से कोई एक चूज़ करना। वो पहले वाले स्कूल मेथड और फैक्टर मेथड पे बिल्कुल मत जाना, बहुत ज़्यादा टायरसम मेथड होते हैं और काफ़ी लंबे, इतने में तो यार अगला 3-4 क्वेश्चन कर जाएगा, हम उसी में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखे कि भाई हाउ टू फाइंड एलसीएम। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड एलसीएम। अब हम ना, आप लोग क्या करो, अब हम इसके लिए टाइप देखते हैं एलसीएम की, कितनी क्या क्या टाइप होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करो कि अब एक पेज जो हमारे कॉपी का राइट हैंड साइड वाला पेज ब्लैंक छोड़ दो, और उसके नेक्स्ट पेज से शुरू करो। वो ब्लैंक मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ कि हम जैसे जैसे टाइप क्लियर करते जाएंगे ना, तो वहाँ पे आके हम छोटे छोटे नोट्स लिख लेंगे, और फिर अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप दोबारा वीडियो देखो और समझ आ जाएगा, यहाँ से क्लियर होके जाओगे। तो मान लो पेपर से पहले कभी रिवाइज करोगे तो सिर्फ वो पेज जो स्टार्टिंग वाला पेज जो हमारा होगा वही देख के आपको सारी टाइप क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर हम टाइप की जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बनती है वो लिखेंगे, और उसके साथ साथ उनके जो सोल्यूशन का तरीका होता है वो लिख लेंगे 1-2 लाइन में। इससे हमारे सारे टाइप वहीं पे एक जगह फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा पेज वेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम टाइप 1 से। टाइप 1 में वो क्या कहता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारा, वो क्वेश्चन में कह दिया उसने कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर exactly divisible by 2, 3, 5, 7। तो इसमें क्या करना है, इसको मैं हिंदी में बताता हूं। वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 2, 3, 5 और 7 से जब हम विभाजित करें तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे, मतलब कोई भी शेषफल ना आए। तो इसी को हिंदी में एक बार समझें, इंग्लिश में समझें, तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर जब हमने 2357 से डिवाइड करा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा जीरो आया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो इसमें क्या करना है भाई, अब क्या निकालें। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें स्मॉलेस्ट दिखे ना तो स्मॉलेस्ट का मतलब या फिर लीस्ट दिखे, स्मॉलेस्ट दिखे, तो ये थोड़ा ना दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि एलसीएम की बात हो रही है। पहली बात तो ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, सीधा हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब इन चीज़ की निकालनी है तो हम, मैंने क्या बताया था कि क्या करेंगे हम, 7 बड़ी टर्म लिख लेते हैं 7, उसमें देखेंगे 2 आया नहीं आया, 3 आया नहीं आया, 5 आया नहीं आया। ये तो हमारे वो क्या कहते हैं उसे, प्राइम नंबर्स ही थे, तो अगर वो होते तो कुछ देख लेते। पर तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 5 × 2 10, 7 × 3 21, तो एलसीएम हमारा आ गया 210। तो 210 वो छोटी से छोटी संख्या है, मतलब वो छोटा सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन 2, 3, 5 एंड 7 इन से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इससे छोटी वैल्यू कोई भी हमारी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती चारों टर्म से। बात समझ में आई? तो अब आप पहले पेज पे आ जाओ, उस पर टाइप 1 हेडिंग डालो और एक छोटा सा रिमार्क लिख लो। ये लिखो कि ऐसे स्टार मार्क करके टाइप 1 लिखो, और उसकी जो वर्डिंग होगी ना क्वेश्चन की, हमेशा लगभग टाइप 1 में ऐसी होगी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एबीसी, AB या फिर ABC या फिर कुछ भी, कितने भी टर्म हो। तो इसका क्या करेंगे हम, अब क्या करना है आपको, कॉपी में लिख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, LCM ऑफ ABC, बस सिंपल चीज। यहाँ पे हमारा ये टाइप 1 हो गया, खत्म। क्या ये हमने वहाँ पे लिख लिया ना, तो अब आगे कभी भी होगा तो हमने वर्डिंग, हम इस पेज पे हमने वर्डिंग लिख ली क्वेश्चंस की, ये ऐसी वर्डिंग में हमें क्या करना होगा, सीधा एलसीएम, आपको ये याद रह जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करता हूँ, PDF दे दूंगा। अभी हम आज की क्लास में टाइप 2 भी देख लेते हैं, ताकि आपको ये भी लगे कि हमने कुछ पढ़ा है आज एलसीएम एससीएफ के बारे में भी, सिर्फ फैक्टर और प्राइम इधर उधर की बातें नहीं करी। और एक ये टाइप 2 देख के फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो टाइप 2 में क्या होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन बन जाता है, वो कहता है कि फाइंड द, देखो वर्डिंग सेम सी होती है ऐसी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 10, 15 leaves remainder one in each case। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में समझो, वो ये कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है जब हम 3, 5, 10 और 15 से डिवाइड करें, इन चारों में से किसी भी एक से डिवाइड करें तो हर केस में वो रिमाइंडर 1 बचे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो यहाँ तक ही बात बताई गई थी, पूछा गया था, सॉरी यहाँ तक भी नहीं था, रिमाइंडर की तो बात ही नहीं थी उसमें, उसमें से यहाँ तक बोला गया था। उसने बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड कम्प्लीटली बाय दिस नंबर। अब बात आ गई कि इन नंबर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1। तो अब क्या करेंगे, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो हम फटाफट कर लेते, एलसीएम निकाल लेते, एलसीएम ऑफ 3, 5, 10, 15। क्या करते, बताया था 15 लिख लेंगे सीधा, फिर देखेंगे कि भाई हमारा 3 तो इसमें आ चुका है, छोड़ो 5 भी आ चुका है, छोड़ो 2 और 5 पहले आ चुका है, 2 नहीं आया हमारा, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 30 हमारा एलसीएम हो जाता और ये हमारा आंसर हो जाता कि ये कम्प्लीटली। पर अब देखा हमने कि इसने पूछा रिमाइंडर 1 होगा, अब 3 से मल्टीप्लाई तो ये एग्जैक्टली हो रहा है तो रिमाइंडर 1 नहीं बचा, 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है रिमाइंडर नहीं बचा। इस केस में क्या करेंगे हम, बस रिमाइंडर 1 बचाना है तो इस एलसीएम में हम 1 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 31। सिंपल। तो क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने जो रिमाइंडर बोला था कि रिमाइंडर छोड़ा जाएगा वो उसको ऐड कर दिया। ये हमारा रिमाइंडर जो क्वेश्चन में था उसको हमने ऐड करा, बस। तो आपने देखा कि एलसीएम निकाला और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन की फिर से आप उस पेज पे आगे वर्डिंग देखो, लिख लो। और ये क्वेश्चन ना मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, और फिर आप सॉल्व करना। और उसमें अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना। और आपके पास भी जो बुक होंगी उसमें देखना कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी ये चीज़ आएगी ना उनमें यही होगा। और एक और चीज़ इसमें सब में नोटिस करने वाली है कि एलसीएम और एससीएफ के क्वेश्चन विदाउट 3 या फिर 9 के बिना नहीं हो पाते। हमेशा 3 या 9 आपको दिखेगा। इसकी काफ़ी अच्छी बेनिफिट हमें मिलेगा आगे, जिससे हम क्या करेंगे कि ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ना इतना भी नहीं करना पड़ेगा हमें। हम सीधा ऑप्शन से देख के, ऑप्शन से देखेंगे और ख़त्म करेंगे अपना आंसर। पेन भी नहीं चलाएंगे, मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, सीधा ऑप्शन से देखेंगे और ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हमारा बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, पहले पेज पे वापस आ जाओ और वर्डिंग लिखो भाई। उसमें लिखो कि टाइप 2 में टाइप 2 लिखो और स्टार मार्क कर लो कि लिखो उसमें ये चीज़ लिखो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हिंदी वाले लिख लेना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो डिवाइडेड बाय ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, अगर वर्डिंग समझ में आए तो हिंदी वाले ऐसे करो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से डिवाइड होने पर हमें शेषफल आर दे, मतलब रिमाइंडर आर दे। एक बार चेक कर लेना भाई कि रिमाइंडर को शेषफल ही कहते हैं ना, तो शेषफल हमें आर दे। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, वही चीज़ ऐसे छोटा सा मार्क बना लेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस रिमाइंडर जो हमें बताया गया है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने जनरलाइज करके आपको बता दी। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत हुई हो, कुछ भी परेशानी हुई हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और देखो अगर क्या होता है ना कई बार कि अच्छी लगती है चीज़ें, हाँ समझ आ गई, और वो चीज़ पता ही नहीं चले तो फिर ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि यार पता नहीं मैंने क्या पढ़ा है। उन्हें रिस्पॉन्स व्यूज़ आ गए, देख लिए आप लोगों ने, पर वो समझ आया नहीं आया ये पता नहीं चलता। उसके लिए आप क्या तो कमेंट कर दो या फिर लाइक कर दो। सिंपल, अगर आपको लिखने में नहीं मन कर रहा लिखने का तो सीधा सिंपल कमेंट लाइक कर दो। और लाइक वगैरह से हम इसलिए नहीं चाहते कि कुछ हमारे लाइक से कुछ हो जाएगा, कुछ नंबर की पड़ी है, बस ये हो जाएगा यार कि ना जो हम बोल रहे हैं, जो हम बता रहे हैं चीज़ें, वो आप तक पहुंच रही है और वो आपको पहुंच के अलावा समझ भी आ रही हैं। तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अपना साथ यूँ ही बनाए रखना हमारे साथ। अगली क्लास में टाइप 1 टाइप 2 के बाद इनमें जो वेरिएशन आ सकते हैं ना, ये तो सिंपल पूछ लेंगे, पर आप लोगों को पता ही है कि जो खुराफाती जो पूछने वाले होंगे ना वो नहीं टिकते यहाँ पे। फिर उसकी वेरिएशन लेके आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और टेक केयर।